डिजिट बेस्ड मैथमेटिक्स फंडामेंटल टेक्निक्स स्टडी नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर है 48। ठीक है, तो 48 नंबर में एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये है वाई कर टू एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। काफ़ी बार आता है अभी वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटीज इसकी फाइंडिंग करना है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। डी वाई बाई डी यानी कि एक्स का वन होगा वी, एंड एक्स की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन वी माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, ए माइनस बी एक्स की पावर माइनस टू, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर टू। फोर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए, फोर मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी एक्स की माइनस टू इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी एक्स की पावर माइनस टू, ए अपॉन बी एक्स की पावर माइनस टू यानी ए अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए। एक्स के दो मान आ जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए। ठीक है, अब हम डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि एक्स के दो मान आ गए, एक तो अंडर रूट बी अपॉन ए आया और एक माइनस का अंडर रूट बी अपॉन ए आया। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गए इसका डबल डिफरेंशिएशन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो वी एंड माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री, तो गया टू वी एक्स पावर माइनस थ्री। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो गया टू वी एक्स पावर माइनस थ्री। अब इसमें वैल्यू ड्रा कर देते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन ए टू बी, और अंडर रूट बी अपॉन ए की पावर थ्री है तो ये पॉजिटिव आ जा रहा है, पॉजिटिव पर होगा मिनिमा, यानी प्लस वाले में एक्स इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन ए पर मिनिमा आ रहा। तो मिनिमा वैल्यू फाइंडिंग करने के लिए एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए यहाँ पे अंडर रूट बी अपॉन ए यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू माइनस का अंडर रूट बी अपॉन ए रखें तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव क्वान्टिटी आ जाएगा और इस पर आएगा मैक्सिमा। अब हमको लेना है अगर मिनिमा क्वान्टिटी लेना, वाई मिनिमा तो मिनिमा किस पर आया था एक्स इक्वल टू अंडर रूट बी अपोन ए पर, तो अंडर रूट बी अपोन ए जहाँ पे पुट करना पड़ेगा, अंडर रूट बी अपोन ए प्लस बी अपोन अंडर रूट बी अपोन ए, तो ये होगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस ये ए ऊपर पूछेगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा यानी टू अंडर रूट ए बी। ये आया मिनिमा क्वान्टिटीज। ठीक है, ऐसे ही मैक्सिमा क्वान्टिटीज इसकी निकाल लेते हैं, वो आएगा माइनस का अंडर रूट बी अपॉन ए पर, तो वाई मैक्सिमम ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए प्लस का बी अपॉन माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देखा माइनस का माइनस अंडर रूट ए अंडर रूट बी एंड माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट ए यानी कि माइनस का अंडर रूट ए बी एंड माइनस का अंडर रूट ए बी, तो ये हो जाएगा माइनस का टू अंडर रूट ए बी वाई मैक्सिमा। ठीक है, इस प्रकार ये आ जाएगी मैक्सिमा क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। वाई कर टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का उच्च से निम्न मान चेक करना है और एक्स लाइन कर रहे हैं यहाँ पे जीरो से टू पाई के बीच, एक्स लाई बिटवीन जीरो एंड टू पाई, जीरो एंड टू पाई के बीच एक्स लाई कर रहा है, इस बीच में हमें चेक करना है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है और इसके मैक्सिमा या मिनिमा मान भी ज्ञात करने हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, डिफरेंशिएशन लेंगे साइन का कोश एक्स एंड कोस का माइनस का साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा इक्वेशन टू। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वांटिटीज के लिए
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो कोस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन एक्स, तो यह आ जाएगा टेन थ्री पाई बाई फोर इक्वल टू टेन एक्स एंड एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, यानी 135 अंश। 2π 360 से छोटा है, x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 3π बाई 4 का मान आ चुका है माइनस वन। माइनस वन एक तो 135 का आता है और ये क्वांटिटी इसकी और आनी चाहिए और 10 225 क्या होगा 225, यानी कि 10 180 प्लस 45, 10 180 प्लस सीटा, कौन सी क्वार्टिल में गया, थर्ड क्वार्टिल में, थर्ड में पूरा पॉजिटिव होता है 10 कोट कोट 45 यानी प्लस वन आएगा, प्लस वन होता तो 225 होता, हाँ ठीक है, एक एक क्वांटिटी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर डबल डिफ्रेंशिएशन अगर लेते हैं डी टू वाई कौन डी एक्स का इक्वल टू माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, तो वहाँ पे 135 की वैल्यू अगर पुट करेंगे माइनस का साइन 135 प्लस का कोस 135, तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमम साइन 90 प्लस सीटा कोस 45 माइनस का कोस 45 वन अपॉन रूट टू एंड कोस 90 प्लस सीटा कोस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन 45 यानी कि 1/√2, तो ये आ जा रहा नेगेटिव, नेगेटिव पे मैक्सिमा होगा, ठीक है, तो मैक्सिमा क्वांटिटी इसकी निकाल आएगी एक्स इक्वल टू 3π/4 पर, तो डी टू डी वाई बाई बाई मैक्सिमा इक्वल टू साइन 3π/4 माइनस का कोस 3π/4, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी मैक्सिमा क्वांटिटी आ जाएगी। और इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है, इसको चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मैक्सिमा वैल्यू देगा कि नहीं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 3x² माइनस का 3, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी के लिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो करते हैं, 3x² माइनस 3 इक्वल टू जीरो, यानी x² माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, दो क्वान्टिटीज इसके एक्स की आ रहे हैं। अब लेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, 3x² का 2x माइनस 0 6x, तो डबल डिफ्रेंशिएशन में एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6 आएगा, पॉजिटिव है तो इस पर मिनिमा, एक्स इक्वल टू 1 पर मिनिमा, तो मिनिमम क्वांटिटी यानी कि वाई मिनिमा एक्स इक्वल टू 1 रख देंगे, 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2, और एक्स इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे, ठीक है, इसमें माइनस 1 रखेंगे, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 निगेटिव होगा, और नेगेटिव पर जो वैल्यूज हो जाएगी हमारी मैक्सिमा हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस 1 ये है मैक्सिमा, ठीक है, तो वाई मैक्सिमा एक्स क्यू माइनस 3x था है, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस का 3 और एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी मैक्सिमा वैल्यू होगा इसका 2, और मिनिमा वैल्यू होगा माइनस 2, मिनिमा वैल्यू माइनस 2 एंड मैक्सिमा वैल्यू 2।